अगला जो दुर्ग अपने को पढ़ना है वो हम शुरू करते हैं मेहरानगढ़, और ध्यान दीजिएगा और समझना शुरू करूं। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, तो जोधपुर में है। ठीक है, और इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों पड़ा, तो मैंने बताया था आपको कि जोधपुर को सूर्य नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया, सूर्यवंशी राजाओं ने नगरी बसाई, तो भगवान सूर्य के नाम पर नगरी का नाम क्या रख दिया, सूर्य नगरी। और भगवान सूर्य के नाम पर किले का नाम क्या रख दिया, मेहरानगढ़, क्योंकि मेहरानगढ़ में जो मेहर शब्द आ रहा है ये मेहर सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, भगवान सूर्य का पर्यायवाची। तो भगवान सूर्य के नाम पर किले का नाम भी क्या रख दिया गया है, मेहरानगढ़। अब देखो वो इतिहास की बातें पढ़ते हैं जो अपने काम की है। सबसे पहला प्रश्न कि ये जो मेहरानगढ़ है जोधपुर वाला, इसके उपनाम क्या क्या है, और इसके हैं भाई दो उपनाम। एक तो इसे हम कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, कौन सा गढ़ कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़। तो एक तो इसे कहेंगे मयूर ध्वजगढ़, और मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस किले की जो आकृति है वो मोर के समान है, तो मोर के समान होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़। तो ध्यान रखना इसकी जो आकृति है वो आकृति है मोर के समान, वो आकृति है मयूर के समान, इसीलिए इस किले का नाम क्या हो गया, मयूर ध्वजगढ़। दूसरा इसे हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। तो गढ़ चिंतामणि के नाम से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता है, मेहरानगढ़ को। और गढ़ चिंतामणि जो नाम निकल के आया था, वो नाम निकल के आया था कुंडली में, पंडित जी बनाते ना कुंडली, तो दुर्ग को बनवाने से पहले इसकी कुंडली बनाई गई थी, तो कुंडली के अनुसार इसका जो नाम पड़ा वो नाम क्या रखा गया था, गढ़ चिंतामणि। और कुंडली क्यों बनानी पड़ी इसकी, वो भी सुनाऊंगा कहानी आगे सारी। तो एक तो मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं और एक इसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि। और ये आते हैं परीक्षा में कि मयूर ध्वजगढ़ कौन सा है, गढ़ चिंतामणि कौन सा है, तो मेहरानगढ़। तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं कि ये जो मेहरानगढ़ है, एक पत्रिका आती है टाइम्स पत्रिका, कौन सी पत्रिका आती है, टाइम्स पत्रिका। और ये जो टाइम्स पत्रिका है, इस टाइम्स पत्रिका ने मेहरानगढ़ दुर्ग को एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग घोषित किया है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का खिताब इसे मिला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान में कोई भी इमारत वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होगी तो वो कौन सा दुर्ग होगा, मेहरानगढ़, निश्चित ही है। अब नंबर जिसका आने वाला है विश्व धरोहर की सूची में, वो कौन सा दुर्ग आएगा, मेहरानगढ़। फिर बात करते हैं आगे की कि ये जो मेहरानगढ़ है ये बना हुआ है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। अरे कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित। और आपको पता होना चाहिए कि चिड़िया टूक की पहाड़ी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी है इस पहाड़ी पर एक नाथ निवास करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय पढ़ोगे ना आप, तो नाथों की संख्या मानी गई है 9, इतने नाथ माने गए। और नाथ संप्रदाय की पूरी जानकारी एक ग्रंथ में मिलती है, एक रचना में मिलती है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, जो लिखा है ज्योतिश्वर ठाकुर ने। तो ध्यान रखना कि एक पहाड़ी थी जिस पर चिड़ियानाथ निवास करते थे। अब क्या हुआ कि राव जोधा इस पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाना चाहते थे, तो राव जोधा क्या करते कि मजदूरों को लेकर जाते और इस पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करना शुरू करते। लेकिन होता क्या कि दिन में तो भली भांति दुर्ग का काम चलता, लेकिन रात में दुर्ग ऑटोमेटिक ढह जाता, नष्ट हो जाता, फिर अगले दिन काम चलता।
दो चार दिन तो राजा की समझ में नहीं आई क्या हो रहा है भाई, ये भी तो आंधी वांधी आई होगी, गिर गया होगा कोई, तोड़ गया होगा, तो 3 4 दिन तो समझ में ही नहीं आई। लेकिन जब रोजाना ऐसा होने लगा कि दिन में तो बनेगा काम चलेगा और रात में दुर्ग ऑटोमेटिक ढह जाएगा, तो राजा परेशान हो गया। और जैसे राजा परेशान हुआ, राजा गया पंडित जी के पास। अब आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, हमें पंडितों की बातों पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, नहीं करना चाहिए। इस बात का आंसर देने से पहले समझ लेना कि मैं भी एक पंडित हूँ, और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे फेल हो जाओगे। भरोसा करना है और पूरा पूरा करना है, ठीक है? पाखंडी पंडितों से दूर रहना है। आप समझो, यहाँ पर क्या हुआ कि इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ रहते थे, दुर्ग डेरा था, राव जोधा पंडित जी के पास गया। पंडित जी को जाके कहा कि महाराज देखो जन्म पत्री में, देखिए क्या है, पंचांग में देखो कि दिन में तो भली भांति काम चलता है लेकिन रात में दुर्ग ढह जाता है, नष्ट हो जाता है, क्या चक्कर है? पंडित जी ने कुंडली बनाई और कहा कि शनि बार ये यार इसका, तो ठीक है। बोला क्या हो रहा है? बोला वहां पर यार एक नाथ निवास कर रहा है, चिड़ियानाथ, और नाथ संप्रदाय के लोग तंत्र मंत्र वाले होते हैं ज्यादातर, तो कह रहे हैं कि इसकी तंत्र साधना से ये दुर्ग जो है रात को ढह जाता है, और ये नहीं चाहते कि इस पहाड़ी पर किसी आवासीय किले का निर्माण हो, इसलिए पहले उनको राजी करना पड़ेगा। राव जोधा ने कहा कि साहब खूब राजी कर लिया, नहीं मान रहे हो तो। तब पंडितों ने 3 बातें बताई। पहली बात कि उनको मनाना है तो उनकी जो देवी है ना, जिनकी वो आराधना करते हैं, वो करणी माता, करणी माता को बुलाओ, और करणी माता को बुला के उनके हाथों से दुर्ग की नींव रखवाओ। करणी माता का नाम जैसे ये सुनेगा या तो ये मान जाएगा, ये पहाड़ी छोड़ के चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राव जोधा ने करणी माता को बुलाया दुर्ग की नींव रखने के लिए। करणी माता को उस समय रिद्धि बाई कहते थे, तो रिद्धि बाई ने दुर्ग की नींव रखी, और जैसे ही चिड़ियानाथ जी को पता चला कि करणी माता आ रही है, तो ये पहाड़ी छोड़कर चला गया था, ये ध्यान रखना। तो पहली समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या कि पहाड़ी छोड़कर ये तो चले गए, लेकिन पहाड़ी में तंत्र साधना का प्रभाव हुआ अभी तक, तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी कैसे पैदा हो? तो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया, बोले देखो आजकल क्या होता है कि तंत्र साधना की गांठ तंत्र साधना से होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि उन आत्माओं जो यहाँ पर तंत्र साधना से आत्माएं भटक रही है, जो भी नकारात्मक एनर्जी है, उनको अगर शांत करना है तो नींव तो करणी माता से रखवा दो, लेकिन नींव के पत्थर में एक जीवित व्यक्ति की बलि दो। आज भी आप देखना, बार में जब बच्चों की किडनैपिंग के केस आते हैं ना ज्यादा बार बार, तो समझ लेना कि आसपास में कोई बांध का काम चल रहा है, कोई बड़ी इमारत का काम चल रहा है। क्योंकि एक अंधविश्वास है कि अगर किसी भी बड़ी रोड का काम चल रहा है, कोई हाईवे का काम चल रहा है, तभी ज़्यादा किडनैपिंग के केस आते हैं बच्चों के। तो आप देखना, ऐसी मान्यता है आज भी कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम कर रहे हो और किसी व्यक्ति जीवित व्यक्ति की बलि दे रहे हो, तो वो जो बिल्डिंग है, वो जो काम है, वो स्थायी रूप से रहेगा, उस पर कोई संकट नहीं आता। तो जैसे ही कहा गया कि आत्माओं की संतुष्टि के लिए जीवित व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी, तो इस दुर्ग के निर्माण के दौरान नींव के पत्थरों में एक जीवित व्यक्ति की बलि दी गई, जिनका नाम था रजिया, जिन्हें हम कहते हैं राजिया, जिनका तद्भव नाम है राजा राम, उसकी बलि दे दी गई। और तीसरा उपाय बताया गया, ऐसा करना कि जब इस दुर्ग का निर्माण हो जाए और गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, करा देना हम यहाँ से रहना शुरू करेंगे, तो उस दौरान मंडोर के किसी विद्वान पंडित को बुलाना, और नाम भी बताया होगा, एक व्यक्ति है मेहर नाम का व्यक्ति, उसे बुलाना। और वो व्यक्ति अगर गृह प्रवेश के अग्निकुंड में अगर अपने शरीर का कोई भी अंग दान कर देता है, आहुति में दे देता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस दुर्ग को जीत लेगी या इस दुर्ग पर अधिकार कर लेगी। तो ऐसा ही हुआ कि जब गृह प्रवेश का काम हुआ तो मंडोर से एक पंडित जी बुलाए गए, और उनका धधकता हुआ गले, पंडित जी को पहले तो बुलाया, बोला पंडित जी गृह शांति करवानी है आपको, आ जाओ। पंडित जी पहुंच गए जैसे पंडित जी पहुंचे तो सिर को पकड़ लिया, और राजा ने क्या किया कि पंडित जी का धधकता हुआ कलेजा निकाल लिया जीवित व्यक्ति का, और यज्ञ में आहूत कर दिया। तो जब ये सारे काम संपन्न हुए, इसलिए आजकल के पंडित बहुत हो गए, पहले पूछते हैं कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है, उसके बाद जाते हैं।
देखो इधर क्या हुआ कि जब ये तीन काम संपन्न हुए तब जाके इस मेहरानगढ़ किले का क्या उपाय निर्माण। इसीलिए रुडियार्ड किपलिंग कहता है कि सब देवताओं और परियों के आशीर्वाद से इस किले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। पढ़ा था हमने भी थोड़ी देर पहले। तो देखो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ ही है। अब चिड़िया टूक की पहाड़ी तो क्या है, लंबी चौड़ी पहाड़ी है खूब, लेकिन ये दुर्ग तो पहाड़ी की केवल एक हिस्से पर ही तो बना हुआ है। और चिड़िया टूक का जो हिस्सा जो दुर्ग को कवर कर रखा है, उस पहाड़ी का नाम है, उस पर्वत का नाम है पंचेटिया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है चिड़िया टूक की तो पहाड़ी है, लेकिन चिड़िया टूक की पहाड़ी के कौन से हिस्से पर यह दुर्ग बना हुआ है, तो कौन सा है साहब, वो पंचेटिया है। ठीक है, फिर आगे की बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ 1459 में, और इसका नाम निर्माण करवाया राव जोधा ने। इसके अलावा इस दुर्ग की जो नींव रखी वो रखी थी करणी माता ने, और करणी माता का ही दूसरा क्या नाम है, रिद्धि बाई। और इस दुर्ग के निर्माण के दौरान एक व्यक्ति की बलि दी गई और उसका नाम रजिया, उसी को कहते हैं राजिया और उसी को कहते हैं राजा राम। तो इस व्यक्ति की क्या दी गई थी, बलि दी गई थी, तब जाके यहाँ पर इस किले का निर्माण हो पाया। चलो बताओ एक बार ढंग से बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ में जो पहला शब्द आ रहा है मेहर, वो मेहर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, और भगवान सूर्य के नाम पर किले का क्या नाम रखा गया, मेहरानगढ़। बताओ इस मेहरानगढ़ की आकृति कैसी है, इसलिए इसका पहला उपनाम क्या है, और कुंडली के अनुसार नाम क्या दिया गया। टाइम्स पत्रिका ने इसको कौन सा दुर्ग घोषित किया, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी के कौन से हिस्से पर बना हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया, इसमें नींव किसके द्वारा रखवाई गई, और बलि कौन से व्यक्ति की दी गई, लिखो पहले से।
हाँ जी लिखा। हाँ हाँ जी भाई, अब आगे सुनो कि ये तो बात हो गई मेहरानगढ़ की, सामान्य रटने वाली बात है, कौन सी पहाड़ी पर है, किसने बनवाया, नींव किसने रखी, बलि किसकी दी गई और उपनाम कौन कौन से हैं। अब मेहरानगढ़ की क्या विशेषताएं हैं, क्यों उसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है अपने को। तो ध्यान देना शुरू करो और लिखना बंद करो। देखिए हुआ क्या, यही पर हम बात करते हैं आगे, मेहरानगढ़ को लेकर। देखिए हुआ क्या भाई, दो तीन प्रश्न हैं वो समझ लो पहले। सबसे पहला प्रश्न कि ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका जो पहला प्रवेश द्वार है, जो प्रथम प्रवेश द्वार है, उससे प्रथम प्रवेश द्वार का नाम, और वो जो पहला प्रवेश द्वार है उस पहले प्रवेश द्वार का नाम है लोहा पुल। अरे क्या नाम उसका, लोहा पुल। मेहरानगढ़ का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है, लोहा पुल। और कहते हैं कि इसी गेट पर 33 सदियों की हथेलियों के छापे बने हुए हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर, इनपे एक गेट है जिस पर हथेलियों के छापे नजर आते हैं, 33, वो लोहा पोल का गेट है। तो ध्यान रखना मेहरानगढ़ का जो पहला प्रवेश द्वार है लोहा पोल, इस लोहा पोल पर 33 सतियों की हथेलियों के निशान बने हुए हैं सब, 33 सतियों की हथेलियों के निशान, हथेलियों के छापे बने हुए हैं। तो मेहरानगढ़ का जो पहला प्रवेश द्वार है वो लोहा पोल है, जहां पर 33 सदियों की हथेलियों के क्या बने हुए हैं, छापे बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। क्या उकेरे गए निशान है? वो नहीं है कि जो लगा के जोर नहीं, सतिया उकेरे गए हैं, गेट के अंदर ही आकृति बनी हुई है वो। दूसरी बात हम करते हैं यहां पे, एक प्रश्न आता है कि मेहरानगढ़ का दूसरा जो प्रवेश द्वार है वो पहले से भी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है फतेह पोल, जिसका निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया था मुगलों को हराने के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखना एक फतेह पोल तो लोहागढ़ भरतपुर में, फतेह बुर्ज कहते हैं उसे, और एक फतेह पोल मेहरानगढ़ में। तो मैं आपको बता दूं कि पहला प्रवेश द्वार तो लोहा पोल हो गया, और इसी का जो दूसरा प्रवेश द्वार है, ठीक है, और इसी का जो दूसरा प्रवेश द्वार है उसका नाम है फतेह पोल। और ये परीक्षा में आता है खूब कि फतेह पोल जो है कौन से दुर्ग में स्थित है, तो मेहरानगढ़ में। और ये जो फतेह पोल, इसका निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया था, मारवाड़ के शासक फतेह सिंह ने मुगल विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था, निर्माण। तो मुगल विजय के उपलक्ष में 1707 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, जब औरंगजेब का अंतिम समय चल रहा था। अब हम बात करते हैं आगे की। तो पहला हो गया लोहा पोल, दूसरा हो गया फतेह पोल। इसके बाद देखो एक सीधा सा प्रश्न आता है कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग में
एक मंदिर बना हुआ है, और वो जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है भाई? चामुंडा माता का मंदिर। और अब मैं आपको ढंग से बता दूं कि देखो, ये जो चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है साहब। जोधपुर के राठौड़ों की कौन सी देवी मानी जाती है? ये आराध्य देवी मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणी जी माता है, और राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो अलग अलग, राठौड़ों की अलग अलग है। भाई कुल देवी तो एक ही होती है, सभी राठौड़ों की कुल देवी नागणी जी माता है, लेकिन अलग अलग राठौड़ों की अलग अलग आराध्य देवी है। जैसे बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता है, यहाँ पर बात करें जोधपुर के राठौड़ों की तो चामुंडा माता है। फिर बात करें तो चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी सब 2008 में, और 2008 में जब भगदड़ मची तो इस भगदड़ की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जसराज चोपड़ा कमेटी, जसराज चोपड़ा कमेटी। अब देखो राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2000 में भगदड़ मची, 2008 में, और उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई, जसराज चोपड़ा कमेटी। लेकिन इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है ना, वो भी दी 2019 में, ध्यान रखना। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है जांच की, वो कब दी है? 2008 में भगदड़ मची, 11 साल बाद रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट में क्या लिखा? तो रिपोर्ट में इतना सा लिखा, बोला साहब नवरात्रों में मेला लग रहा था माता जी का, लास्ट में कोने में बड़ा हुआ है मंदिर ही है, और टेंट लगे हुए थे, काफी मात्रा में भीड़ मौजूद थी, तो आप जैसा कोई उत्पाती चला गया होगा मेले के अंदर, और टेंट की डोरी खोल दी, टेंट की जैसे डोरी खोली टेंट भीड़ पे आके गिरा, भगदड़ मच गई, कुछ लोग घायल हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या मची? भगदड़ मची। इतनी सी बात करने के लिए 11 साल लग गए इनको, ठीक है? आप होते तुरंत एक दिन में फैसला सुना देते हैं। तो ध्यान रखना, 2008 में भगदड़ मची, जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी ने रिपोर्ट कब दी है? 2019 में। फिर बात करें तो इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है वो एक छतरी बनी हुई है सब, और एक छतरी है ये गोरादाई की छतरी, ध्यान रखना। अरे किसकी छतरी बनी हुई है? गोरादाई की छतरी है, और ये गोरादाई वही है जिसे हम मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। ये वही गोरादाई है जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के कैद से आजाद करवाने के लिए स्वाभिमुक्ति का परिचय दिया था। तो ध्यान रखना, गोरादाई की जो छतरी है ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और गोरादाई वही है जिसे हम क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाई। तो मारवाड़ की जो पन्नादाई है वो गोरादाई है, और इनकी छतरी कौन से दुर्ग में बनी हुई है? मेहरानगढ़ में। फिर आगे की अगर हम बात करें तो यहीं पर शेरशाह सूरी की मीनार बनी हुई है सब। पढ़ाया था मैंने आपको कि मुगल बादशाह और मतलब मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी की जो मीनार है वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो मेहरानगढ़ में। शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं था, लेकिन फिर भी बीच में इसने शासन किया था 1540 से लेकर 1545 तक। तो शेरशाह सूरी की मीनार भी मेहरानगढ़ में। अब सुनो, अकबर की मीनार तो आमेर में थी, और शेरशाह सूरी की मीनार है मेहरानगढ़ में। यहीं पर एक मजार बनी हुई है, और वो जो मजार है यह है सब भूरेखा की मजार, भूरेखा की मजार। तो भूरेखा की मजार भी मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसी मजार से आगे जाओगे तो एक और छतरी आती है, और वो जो छतरी है वो है कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। तो कीरत सिंह सोडा की जो छतरी है वो भी मेहरानगढ़ में है। तो चार बातें रट लो इसमें, गोरादाई की छतरी है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है, शेर ससुरी की मीनार है, और भूरेखा की मजार है। ये सारी चीजें भी कौन सी दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ में। यहीं पर अगर आगे की बात हम करें तो ध्यान से समझना,
यहीं पर एक महल बना हुआ है ऐसा, और वो जो महल है उसका नाम है मान प्रकाश महल। अरे कौन सा महल है? मान प्रकाश महल है। और ये जो मान प्रकाश महल है ये वर्तमान में संग्रहालय, ये वर्तमान में क्या है? संग्रहालय है मेहरानगढ़ का। और ये जो मान प्रकाश महल है इसका निर्माण करवाया था मान सिंह राठौड़ ने। मारवाड़ के कौन से राजा ने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने इस मान प्रकाश महल का निर्माण करवाया। इसी के अलावा सबसे मुख्य बात पढ़ते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा तोपे रखी हुई है। सबसे ज्यादा तोपों वाला किला, अगर पूछे साइड में जाओगे छत पे तोपे तोपे नजर आएगी, वहीं से मंदिर दिखता है चामुंडा माता का। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक तोपों वाला जो किला है, सर्वाधिक तोपों वाला किला अगर पूछे तो वो भी कौन सा आएगा दोस्तों? मेहरानगढ़। अब तोपों के नाम भी ध्यान रखने हैं, मेन मेन जो तोपे हैं। देखो जी, एक तो यहाँ पे रखी हुई है गजनी खा तोप। कौन सी तोप रखी हुई है? गजनी खा तोप है। एक यहाँ पे रखी हुई है किलकिला या चिलचिला तोप। किलकिला या चिलचिला तोप। एक यहाँ पर जो रखी हुई है वो रखी हुई है शंभू बाण तोप। कौन सी तोप रखी हुई है? शंभू बाण तोप। एक यहाँ पे रखी हुई है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप। और एक यहाँ पर जो रखी हुई है वो रखी हुई है बिच्छू बाण तोप। कौन सी तोप रखी हुई है? बिच्छू बाण तोप। तो ये सभी जो तोपे हैं ये भी कौन सी दुर्ग में रखी हुई है? मेहरानगढ़ में। तो किलकिला या चिलचिला, शंभू बाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, ये सब। लेकिन फिर भी क्या है कि एक प्रश्न आता है सब, गजक, नुसरत, नागबली, ये सब क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। वो प्रश्न जो आता है वो अलग से लिखा दूंगा नीचे भी। तो ध्यान रखना कि गजनी का तोप भी है, किलकिला है, शंभू बाण है, कड़क बिजली है, बिच्छू बाण तोप है। इनके अलावा जो तोपों का प्रश्न आता है वो सीधा सीधा आता है कि साहब गजक, नुसरत, गुब्बारा, नागबली, ये सब क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। वो हम पढ़ेंगे भी प्रश्न के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो यहीं पर जो है वो और भी महल बने हुए हैं, कुछ दो तीन महल हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। और वो जो दो तीन महल हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो यहाँ पे बना हुआ है फूल महल। अरे कौन सा महल है? फूल महल। एक यहाँ पर बना हुआ है मोती महल। कौन सा महल बना हुआ है? मोती महल। और एक यहाँ पर बना हुआ है भाई चोखेलाऊ महल। इम्पोर्टेंट है ये। एक यहाँ पर कौन सा महल बना हुआ है? चोखेलाव महल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें। क्यों इम्पोर्टेंट है वो सुनो। चोखेलाऊ महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित ऐसा महल है जिसके अंदर राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया है। राम रावण युद्ध का चित्रण इसी महल के अंदर किया गया है, इसी महल के अंदर लगा हुआ है। चित्रकला पढ़ोगे जब प्रश्न आएगा कि राम रावण युद्ध का चित्रण कौन सी शैली में किया गया, तो मारवाड़ शैली में है। और वो चित्र वर्तमान में कौन से महल के अंदर है? तो चोखेलाऊ महल के अंदर। और वो जो प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे वो नोट लगा के मैं आपको समझा देता हूं कि एक प्रश्न आ रहा है योगा परीक्षा में कि गजक, नुसरत, गुब्बारा और नागपली, ये सब क्या है? ये प्रश्न आता है परीक्षा में। तो ये सब जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। जैसे एक प्रश्न और आता है चवरी, पीपली, गुगड़ी, ये सब क्या है? तो जो तारागढ़ दुर्ग पड़ा था ना अजमेर में, उसमें स्थित बुर्जों के नाम है। वो लिखवा दूंगा मैं सब प्रश्न। एक बार बताओ पहले, इसे बड़ा हो गया मुद्दा है काफी।
देखो तरीके से पढ़ना है, बताओ मेहरानगढ़ का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है, जोर से बोलो। यहाँ 33 सतियों के तेलियों के क्या बने हुए हैं। दूसरा प्रवेश द्वार कौन सा है और इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था मुगल विजय के उपलक्ष्य में है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर कौन सी माता जी का मंदिर है, जोधपुर के राठौड़ों की क्या है, ये इस मंदिर में भगदड़ कब मची थी, जांच करने के लिए कौन सी कमेटी और इस कमेटी ने रिपोर्ट कब दी है 2000। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी छतरी बनी हुई है, गोरादाई को मारवाड़ की क्या कहते हैं, यहीं पर शेर ससुरी की क्या बनी हुई है, यहीं पर भूरेखा की क्या बनी हुई है, यहीं पर कीरत सिंह सोडा की क्या बनी हुई है, यहीं पर कौन सा महल बना हुआ है, ये वर्तमान में क्या है और इसका निर्माण किसने कराया। यही हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा तोपों वाला जो किला है वो मेहरानगढ़ है। पहली तोप कौन सी रखी हुई है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी, और गजक, नुसरत, गुब्बारा, नागबली, ये भी तोपें हैं जो मेहरानगढ़ में रखी हुई है। इसके अलावा फूल महल है, मोती महल है, चोखेलाऊ महल है, और इसी चोखेलाऊ महल में राम रावण युद्ध का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। उतार लो आराम से।